ये कोई आमाल साबित नहीं अब एक बात जहन में आती है चलो ये सब साबित नहीं लेकिन रात की फजीलत तो है ये बात तो आप भी मान रहे हैं कुछ हद तक तो फजीलत है तो क्यों ना इबादत कर लीजिए खामोशी में चलो मस्जिद भी नहीं सजाऊंगा पटाखे भी नहीं दिए भी नहीं कोई मीठा नहीं हलवा नहीं नहाना नहीं कोई अकीदा नहीं कि मुर्दे आते हैं कोई खबरस्तान जाना नहीं कुछ नहीं तो ये खबरस्तान जाना अच्छी अच्छी बात है लेकिन बिलखूस पंद्रह को जाना ये अच्छी बात नहीं रोजे रखना अच्छी बात है बिलखसूस पंद्रह का रोजा रखना ये सुन्नत से साबित नहीं है याद रखिए ये बोलना चाह रहा हूँ वरना बहुत से लोग होते ये तो ईसार सवाब की मुनकिर है ये तो फला के मुनकिर है ये तो नमाज के मुनकिर है तो रोज़े के मुनकिर है मेरे भाई तेरी बेखूफ़ी को अपनी जगह रख और बात को समझ पहले मैं उस मैं सवाब का मुनकिर नहीं हूँ रोज़े और नमाज का मुनकिर नहीं हूँ जिस तरीके पर हम कर रहे हैं उस पर हम मुनकिर हैं उसके अमकिन है कि वो सुन्नत से साबित नहीं और हर चीज़ के काबिलकबूल होने के लिए अरशदियत में हुक्म खाली सनीत और रसोल्ला का तरीक़ा होना चाहिए तो रसोल्ला ने मनाया क्या कोई चिरागा किया क्या कोई पटाखे पढ़े क्या को मस्जिदें सजाई क्या कोई मखसूस इबादें की क्या कोई लाल किया क्या, क्या नहीं तो तेरा करना ये बदत में शामिल है तो भाई अब इबादत कर लिए तो क्या खामोशी में इबादत करूँगा अकेले में इबादत करूँगा अगर आप रोज़ इबादत करते हैं रातों में तो इस रात भी कीजिए बिल्कुल दुरुस्त लेकिन अगर रोज़ नहीं करते हैं तो इसकी हुक्म नहीं इसकी जात नहीं दी जाएंगी इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा हमारे लिए नमूना है ठीक तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया फजीलत अगर वो साबित भी होती है तो फजीलत है आमाल की बात कर रहा हूँ क्या मनाया सहाबा ने कभी मनाया खुलफा राशिदीन तीस बरस जिंदा रसोसम के बाद क्या मनाया आखिरी सहाबिक इंताल एक सौ दस हजरी में हुआ एक सौ साल में मनाई गई कोई एक रात जिसको ये लिखा गया हो रिवायतों में आसार में तारीख़ में कि ये पंद्रह शाबान तीर सहाबा जाग रहे थे नमाज़े पढ़ रहे थे अकेले में इबादतों का अहतमाम कर रहे थे चूँकि अपने नबी को उन्होंने ये करते पाया था बताइए ना कोई एक रिवाज या बारात की रात थी तो बारात तो भूली जाए मैं कह रहा हूँ ना दूर दूर इसका अलफा ही नहीं आती इसके अंदर कुरान में अल्फाज है वो भी सुर बारात में बस एक बार आया है ही नहीं मिलेंगे आपको तो रात का मनाना तो छोड़ दीजिए तो ये कोई रात साबित नहीं नहीं आप नहीं रात में जागते थे ना तो रोज़ रात जागते थे मेरे भाई आप पर तहजुद फर्ज थी और आप हर रात जागते थे और साहबा में से अक्सर साहबा रातों में जाग के इबादत करते थे बहुत कम थे जो रात में इबादत नहीं करते तो फिर तुम कहाँ से पंद्रह को खास कर रहे हो ठीक ये तो बिल्कुल आम बात थी सबक तो कोई मनाना ये दुरुस्त नहीं आदर तो इस रात का मनाना बिदत इस रात में कोई ख़ास आमाल नहीं है इस रात की अगर फजीलत भी साबित है तो मनाना साबित नहीं है कोई रोज़ा कोई नमाज कोई फातिहा, कोई मुर्दों का आना कोई खबरस्तान की ज्यारत करना ये साबित नहीं और दुरुस्त नहीं है अगर कोई कहे कर लिए तो क्या हुआ तो फिर तो इस्लाम का बेड़ा शरीयत का बेड़ा अगर खो जाता है हर चीज़ में कर लिए तो क्या हुआ कर लिए तो क्या हुआ चार के जगह पांच रकात पढ़ ली तो क्या हुआ तस्वीर आपने तैंतीस तैंतीस बार बताई ना सुरह वो जो उस तस्वीर फातेम आए तैतीस के बदले छठ छः छठ छः बार पढ़ लेंगे क्या हुआ डबल तो पड़ेगा ना कितना शाम मिलेंगे तो फिर तो इस्लाम को वो एंड ही नहीं है और मुशरक़ का मजहब और इस्लाम में कोई हद ही बाखनी नहीं रहेंगी चूंकि कोई हलाल हराम की ओरमती नहीं जो चाहे करो इबादतों में जो चाहे करो मामला कोई लिमिट्स होंगी ना शरीय की तो हुआ ये कि तुमने एक ऐसी बात का दावा किया जो बिल्ला तुम दावा करो नबी को भी नहीं पता थी और साहबा को भी नहीं तुझे पता चलिए बाकर ठीक है तो बहरहाल इसमें कोई खास